आज 20 अप्रैल 2022 बाप दादा के महावाक्य हैं मीठे बच्चे, जो खुशी खुद को मिली है वो सबको देनी है। यानी तुम्हें सुख शांति बांटने का धंधा करना है, तुम्हें सुख शांति बांटने का धंधा करना है। तो अपने साथ घर के बाहर बोर्ड लगा दो कि हम बिजनेसमैन हैं। काय का बिजनेस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। ठीक है सुनामिया जी, आज बोर्ड लगा देना बाहर में, डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। हमारा बिजनेस ही है ना, बाबा ने बिजनेस दिया हमारे को। ये प्रश्न है, तुम बच्चों को इस बेहद ड्रामा की हर सीन बहुत ही पसंद है। क्यों? जो ड्रामा का सीन एक एक शूट हो रहा है हम सबको पसंद है। क्यों क्यों पसंद है, क्यों अच्छा लगता है? उत्तर है, क्योंकि स्वयं क्रिएटर को ये ड्रामा पसंद है। खुद क्रिएटर को ये ड्रामा पसंद है। जब क्रिएटर को पसंद है तो बच्चों को भी अवश्य पसंद होगा। इसका मतलब सबको पसंद है। जो पसंद वाली चीज होती है इसका मतलब ध्यान रखना हमेशा। ड्रामा पसंद है, निशानी क्या होगी? तुम किसी बात में भी नाराज नहीं हो सकते। कोई भी बात कैसी भी आ जाए, किसी का कुछ भी देखो, तुम किसी से नाराज नहीं हो सकते, क्योंकि जानते हो ये दुख सुख का नाटक बहुत सुंदर बना हुआ है। इसमें हार जीत का खेल चलता ही रहता है। इसे खराब नहीं कह सकते। ऐसे क्यों करते हैं, वैसे क्यों करते हैं, ऐसा है ना, ऐसे वैसे करना, क्वेश्चन नहीं पैदा करना, क्योंकि खेल है ये। यानी कितना अच्छा खेल है, दिन भी अच्छा तो रात भी अच्छी। यानी सत्युग त्रेता दिन भी अच्छा, द्वापर कलयुग रात भी अच्छी। विकारों के बारे में भी आप कुछ नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। खेल है ना, वो भी तो पार्ट है खेल का। तो इस ड्रामा में जो भी पार्ट मिला हुआ है उसे उसे खुशी से बजाने वाले बहुत मजे में रहते हैं। जिनको बात बात में रोने की आदत है, टीचर करने की आदत है, ऐसे वैसे कहने की आदत है, वो जिंदगी का मजा ले ही नहीं सकते। तो इस बेहद नाटक की नॉलेज का सिमरन करने वाले, जो इस बेहद की नॉलेज का सिमरन करते हैं, इसी को याद करते हैं, बुद्धि में घुमाते रहते हैं, वो सदा हर्षित रहते हैं और बुद्धि भरपूर रहती है। कोई क्वेश्चन नहीं करो, हर सीन वाह, हर सीन वाह, तभी सदा हर्षित रह सकते हैं। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। वास्तव में स्कूल में कोई गीत नहीं गाए जाते। ये भी तो स्कूल है ना, ये भी तो पाठशाला है, फिर भी यहाँ
गीत क्यों गाए जाते हैं? अब सत्युग में तो ये गीत नहीं गाए जाते, तो अभी हम लोग बैठे हैं संगम पर। हम सत्युग में भी नहीं है, कलयुग में भी नहीं है, हम बैठे हैं संगम पर। इसीलिए भक्ति और गीतों आदि को लेकर उसका अर्थ समझाते हैं। मनुष्य तो अर्थ समझते ही नहीं, भक्ति करते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है, समझते कुछ नहीं। गीत बनाए हुए हैं, समझते कुछ नहीं। फिर कई लोग कहते हैं हमारे को कि आप तो बात तो शास्त्रों की करते हो, शास्त्रों की बातें तो कर रहे हो। उनको बोलो कि भाई शास्त्रों में तो लिखा हुआ है, तुम समझे नहीं। अब हम आपको उसका भी अर्थ समझाने के लिए शास्त्रों की बातें करते हैं, जो गीत प्रचलित है उनका व्याख्यान करते हैं। यानी हम अभी न यहाँ है न वहाँ है, न कलयुग में है न सत्युग में है, बीच में बैठे यानी संगम पर बैठे हैं। तो इनका थोड़ा आधार लेते हैं, तो बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया गया है। तो इस समय तुम ज्ञान सुन रहे हो भविष्य के लिए, यानी भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर कोई प्रारब्ध बनावे, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो अगले जन्मों के लिए पुरुषार्थ करे, ऐसा तो कोई मनुष्य नहीं है। तो तुम पुरुषार्थ करते हो भविष्य नई दुनिया के लिए, और दुनिया में मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं दूसरे जन्म के लिए। तो वो है भक्ति, ये है ज्ञान। कोई कहते भी हैं ज्ञान, भक्ति और फिर वैराग्य। अब सन्यासियों का है हद का वैराग्य, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। सन्यासी लोग तो घर बार से वैराग्य दिलाते हैं, इस दुनिया से नहीं, कलयुग की दुनिया से नहीं। क्यों नहीं दिलाते? क्योंकि वो ये जानते ही नहीं कि तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत सृष्टि है। अभी सृष्टि भी खोखली होगी अंदर से, इनका विनाश होना ही है। क्यों? क्योंकि कल्प की आयु शास्त्रों के हिसाब से बड़ी लंबी बना दी है। तब बाप बैठ समझाते हैं, बुद्धि भी कहती है ये बात तो बिल्कुल ही ठीक है। अब मुख्य बात क्या है यहाँ पर, ज्ञान मार्ग की मुख्य बात क्या है? पवित्रता की, जिसके लिए ही सन्यासी घर बार छोड़ते हैं। और तुम सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाते हो, रहते इसी दुनिया में ही है, घर बार में रहते हैं, पर बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया विकारी दुनिया को भूल जाते हो और पवित्र बनते हो पवित्र दुनिया में जाने के लिए। तो तुम्हारी यात्रा है बुद्धि की। कर्म इंद्रियों से कहीं जाना नहीं है, यानी तुम्हारा शारीरिक कुछ भी नहीं चलता। हमारी मन बुद्धि की यात्रा है ना, शरीर से तो कहीं भी नहीं जाते हम। अभी हम रूहानी बाप के पास जाते हैं। वो दुनिया में तो जिस्मानी यात्राएं तो अनेक है, कभी कहीं जाएंगे, कभी कहीं जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि एक तरफ ही है, इसको क्या कहें, अव्यभ्याचारी भक्ति कहे तो भी हो सकता है। यानी तुम
एक को याद करते हो उन सब की भक्ति है व्यभिचारी। मिलावट की अनेकों को याद करते हैं, तुम्हारी है अव्यभिचारी रूहानी यात्रा जिसमें हम जा रहे हैं वापस अपने घर। और सन्यासी लोग जो हैं निर्वाण धाम को घर भी नहीं समझेंगे, बस कहते हैं पार निर्वाण गया। और तुम जानते हो पार निर्वाण, निर्वाण धाम में हम आत्माएं बाबा के साथ रहती हैं। अभी बाबा हमको लेने के लिए आए हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए जाने की, हमारा असली बाप हमें यहाँ लेने के लिए आए हैं। और वो समझते हैं हम सब ईश्वर के रूप हैं, कितने शास्त्र आदि पढ़ते हैं और यहाँ तुमको शास्त्र वगैरह का कुछ भी नहीं सिखाया जाता, तुमको तो इन कर्म कांड का भी संन्यास कराया जाता है। शास्त्र में क्या है कर्म कांड वगैरह, उनका भी संन्यास कराया जाता है, क्योंकि ये सब भक्ति के कर्म कांड है। जैसे प्रभु की गति गतमत न्यारी है, गति करने की जो मति देते हैं वो न्यारी है, डिफरेंट है बिल्कुल। तो पहले पहले तुमको अलफ सिखाते हैं कि मैं कौन, बाप खुद ही दलाल बनकर आते हैं, गाते भी हैं परंतु समझते नहीं। तुमको कोई भक्ति से घृणा नहीं है, तुमको तो कोई से भी घृणा नहीं आती, जबकि जानते हैं कि ये तो ड्रामा बना हुआ है। हाँ समझाते जरूर है किस पुरानी छी छी दुनिया को छोड़ना है, क्योंकि वापस जाना है। जब भक्ति में थे तो भक्ति से प्यार था, क्या था भक्ति में, गीत आदि सुनने से मौज आती थी, कितना मजा आता था भक्ति मार के, गीत चलते थे म्यूजिक चलता था। अब समझते हैं वो गीत तो कोई काम के ही नहीं थे, नहीं इतने गीत बनाए इतना कुछ किया वो तो कोई काम के ही नहीं थे। हाँ सुनने में कोई हर्जा नहीं है, परंतु जानते हैं ये भी भक्ति की एक्ट है। ज्ञान मार्ग में गीत बनाते हो ना आप, गीत चलाते बनाते हो, ये भी भक्ति की आदतें पड़ी हुई है। हमारा अब उनसे बुद्धि योग टूट ज्ञान से जुड़ गया है। ज्ञान और भक्ति दोनों को तुम जानते हो, और मनुष्यों को जब तक ज्ञान ना मिले, मनुष्यों को जब तक ज्ञान ना मिले तब तक भक्ति को ही बहुत अच्छा समझते हैं, क्योंकि हम जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए, भक्ति से स्नेह बढ़ गया, जितनी भक्ति की हमारी भावनाएं बढ़ गई, हमें बाबा से स्नेह हो गया। अब हमारी बुद्धि में है ज्ञान मार्ग, समझ के आया ये दुख और सुख हार और जीत का बना हुआ ड्रामा है, तो उन पर रहम आता है। किन पर, किन पर रहम आता है आपको, अब जो पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, कर्म कांड कर रहे हैं, है ना, उन पर रहम आता है। क्यों, क्योंकि क्यों ना उन्हों को भी रचयिता और रचना का ज्ञान मिल जाए तो बाबा का वर्षा पा सके, है ना। और सब पे रहम आता है, क्या लगे हुए हैं तप जप करने के लिए, अरे ज्ञान मिलो, रचयिता एक है, हम सब उनकी रचना है, वो आया हुआ इस समय वर्षा देने, तो वसीयत ले लो। जो खुशी अपने को मिली है वही दूसरों को देनी चाहिए। सिंध वृत्ति, सिंध में क्या होता था,
सिंध में क्या होता था, जब भी वो विदेश में जाते थे बिजनेस करने, जब देखते हैं फलानी जगह धंधा अच्छा चलता है तो अपने मित्रों को संबंधियों को भी राय देते हैं कि फलानी जगह जाओ, वहाँ कमाई बहुत अच्छी होगी। उनकी वृत्ति थी, एटीट्यूड था उनका कि अगर फायदा हो रहा है सबको बताओ ताकि सब कुछ कमा लें। और तुम जानते हो कि इस रावण राज्य में दुख ही दुख है। अब मनुष्यों को ये मालूम ही नहीं है कि ज्ञान चीज क्या है। क्यों नहीं पता? क्योंकि साधु संत भी नहीं जानते कि इस ज्ञान से स्वराज्य मिलता है। पूछते हैं इस ज्ञान से क्या प्राप्ति होती है, तो लिखा जाता है शांति और सुख दोनों मिलते हैं, सो भी परमानेंट, सो भी अविनाशी। किसी को सुख शांति का धंधा हाथ आ जाता है तो फिर उसमें ही लग पड़ते हैं। दुनिया में भी जब पैसा कहीं पर मिल रहा है तो वहीं पर सब बिजनेस करने चल जाते हैं, यहाँ पर भी सुख शांति का जब मिल जाती है तो वही धंधा करते हैं ना, उसमें ही लग पड़ते हैं। हाँ, जिस्मानी सर्विस भी कुछ समय के लिए करनी पड़ती है। अब सत्संग का टाइम भी सुबह और शाम को होता है। सत्संग में लोग सवेरे सवेरे जाते हैं या शाम को जाते हैं। माताओं को घर का बंधन रहता है तो उन्हों के लिए फिर दिन का टाइम रखा जाता है। हर सेंटर पे 11 बजे टाइम रखा जाता है ताकि माताएं जो बंधन में वो आ जाए। सुबह का टाइम सबसे अच्छा है, सूर्य अमृत वेला करो, उसके बाद मुरली सुनो, सबसे अच्छा टाइम बाबा ने कहा ये है, क्योंकि उस समय माइंड फ्रेश होता है। जो सुनते हो उनको फिर धारण कर उगारना है, मंथन भी करना जो सुना मुरली का। ये नहीं कि मुरली सुनी और चले गए सो गए, मंथन करो आज बाबा ने क्या बोला मेरे लिए, फिर वही मंथन सबको सुनाओ। दुनिया में ये किसी को मालूम ही नहीं कि निराकार परमात्मा भी पढ़ाने आते हैं, यानी भगवानुवाच, भगवान के वचन क्या है, तुमको राजयोग सिखलाकर नर से नारायण बनाता हूँ। तो ये योग बड़ा नामी ग्रामी है, तभी कहते हैं ना प्राचीन योग। यह प्राचीन योग जिससे नर से नारायण बन जाते हैं। अब मनुष्य दुनिया वाले विनाशी धन का दान पुण्य करते हैं तो रजाई घर में अच्छा जन्म लेते हैं, और यहाँ ज्ञान मार्ग में तो तुम 21 जन्म का वर्षा पा रहे हो। तुम सब कुछ दान करते हो किस जन्म के लिए, फिर कोई भी पद पाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। अभी तुम्हारा पद फिक्स हो जाता है, अभी तुम अपना वर्षा बाप से ले रहे हो। इसलिए बाबा कहते अच्छी तरह पढ़ो तो जन्म जन्मांतर राजा बनो। पहला जन्म मिलेगा ही ऊंच, प्रजा को भी ऊंच मिलता है, तो राजाई में दास दासियां आदि सभी चाहिए। क्या करना पड़ेगा? जितना पढ़ेंगे और महादानी बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कैसे मिलेगा ऊंच पद? सिफारिश से? सिफारिश से नहीं है ना, सीनियरिटी से नहीं। कैसे मिलेगा? जितना पढ़ेंगे और महादानी बनेंगे,
उतना ऊंच पद पाएंगे। ये लॉ है, ये सीक्रेट अब आपने बताया, पढ़ना है और सबको दान देना है, महादान देना है। बाबा भी महादानी है, सबको साहूकार बना ही देते हैं। यानी महादान किसका है? सुख शांति का वर्षा देते हैं। पहले पहले सुख में ही आते हैं, मतलब सभी सुखी रहते थे क्योंकि पहला समय सतो प्रधान, सतु में समय कैसे होगा? पहला सतो प्रधान, फिर रजो, फिर तमो में आते हैं। उनका पाठ अपना और हमारा पाठ अपना। हमारा पाठ क्या है? सतु देवता में है ना, सतो प्रधान सतो में आएंगे हम, बाकी का पाठ ही रजो तमो का है। जो इस धर्म के हैं उनका ही सैपलिंग लगता है। तो जब तुम जब संपूर्ण बन जाएंगे, परफेक्ट बन जाएंगे, तो झट जान जाएंगे कि ये हमारे धर्म का है व नहीं है। ठीक है, तुम्हारी परफेक्शन आएगी, देखते सारे पता लग जाएगा ये हमारे धर्म का भी है कि नहीं। तो तुम बच्चे सबको समझाते हो कि बाप नई दुनिया रचते हैं, तो भारत को ही वर्षा मिला था, फिर गुम हो गया। तो ड्रामा अनुसार वर्षा लेना भी है तो गवाना भी है। ड्रामा बना ही ऐसा है, लेना भी है तो गवाना भी है। ये चक्कर चलता रहता है। इस समय हमने वर्षा गवाया है, अब फिर से ले रहे हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य का किसी को भी पता नहीं, इसलिए पूछा जाता है कि लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कब और कैसे मिला। जैसे उन्होंने कृष्ण को आगे रख लक्ष्मी नारायण को गुम कर दिया है, और हम फिर लक्ष्मी नारायण को आगे रख कृष्ण को गुम कर देते हैं, है ना? क्योंकि लक्ष्मी नारायण तो है ही सतयुग के, नारायण वाज तो हो ना सके। कैसे गुम कर दिया उन्होंने? कैसे कर दिया? हमने लक्ष्मी नारायण को आगे रखा कि हमारा लक्ष्य यही है। ठीक है, तो बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ संगम पर। अब लक्ष्मी नारायण ने जरूर पिछले जन्म में संगम पर ही राज्य लिया है। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म भोग अब अंतिम जन्म में है। लक्ष्मी नारायण को भी राज्य देने वाला जरूर कोई होगा ना, खुद तो नहीं राज्य पाया उन्होंने, कोई तो देने वाला होगा, तो भगवान ने ही दिया। तो देने वाला कौन? भगवान, क्रिएटर एक ही है, तो भगवान ने ही दिया। तो इस समय कब दिया? इस समय तुम बिल्कुल ही बेगर हो, फिर प्रिंस बन जाते हो। प्रिंस का तो जरूर राजा महाराजा के पास ही जन्म होगा, तभी तो प्रिंस कहलाएगा वो। अभी तक भी कोई अच्छे अच्छे राजाएं हैं जिनका प्रजा पर बहुत प्यार रहता है, तो अभी तुम जानते हो वो हम राजयोग सीख रहे हैं जिससे हम राज्य भाग्य पाते हैं। ऐसे राजयोग का मेडिटेशन नहीं करते, इस राजयोग का मेडिटेशन से हम अपना ही राज्य भी पाते हैं और भाग्य भी पाते हैं। और हमको ये निश्चय है, क्यों? क्योंकि ये अनादि ड्रामा है, हार जीत का खेल है, जो होता है वो ठीक,
क्या क्रिएटर को ड्रामा पसंद नहीं होगा? ज़रूर पसंद होगा, जिन्हें क्रिएट किया है ज़रूर पसंद होगा। तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा, ठीक है ना? तो हम पसंद है ड्रामा, तो हम घृणा कोई से नहीं कर सकते। घृणा भाव हमारा चाहे कितना भी गलत कर रहा है उससे भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो समझते हैं कि भक्ति का भी ड्रामा में पार्ट है। ड्रामा सारा अच्छा है, ड्रामा बुरा क्यों कहेंगे? ड्रामा बुरा क्यों कहेंगे? क्योंकि ड्रामा का राज बुद्धि में है जो तुमको समझाते हैं। अभी भक्ति का पाठ पूरा होता है, अब पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा लेना है। भक्ति का काम खत्म, अब एफर्ट्स करके पुरुषार्थ करके बाप से वर्षा लेना है। और बाप कहते हैं अब ये आसुरी संप्रदाय है, इसमें जितने भी लोग हैं सब आसुरी संप्रदाय के हैं, इसमें घृणा की तो कोई बात ही नहीं, वो ऐसा है वो ऐसी है इसकी तो कोई बात ही नहीं। तो ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय का तो खेल है, इसमें खेल क्या बना हुआ है? एक तरफ सब आसुरी संप्रदाय है और हम बने बाबा के ईश्वरी संप्रदाय के। वो कोई अपने को दुखी समझते थोड़ा ही है, चाहे आसुरी आसुर भी है विकारों में सब जा रहे हैं, वो कोई अपने को दुखी समझते थोड़ा ही है। भक्ति करते ही रहते हैं और समझते हैं एक दिन भगवान आकर भक्ति का फल देगा। सब भगत ये वेट कर रहे हैं, कभी तो हमारी सुनेगा, आएगा, फल देगा। यानी घर बैठे कोई ना कोई रूप में भगवान आकर मिलेगा, ये भगत सोचते हैं कि किसी न किसी रूप में आकर मिलेगा। फिर सन्यासी लोग समझते हैं हम आप ही चले जाएंगे निर्वाण धाम, यानी अपने पुरुषार्थ से तत्व के साथ योग लगाते हैं। ब्रह्मांड को ब्रह्म लोक को समझते हैं तो तत्व है जहाँ आत्माएं रहती है ना, अपने पुरुषार्थ से तत्व के साथ योग लगाते हैं और समझते क्या है, हम लीन हो जाएंगे। ब्रह्म को ही जो रहने का स्थान है उसको ही ईश्वर समझ लिया और समझते हम ईश्वर में परमात्मा में लीन हो जाएंगे। अब दुनिया में है अनेक मते, तो बाबा आकर एक मत बनाते हैं, समझाते हैं ये ड्रामा अनादि बना हुआ है और बहुत ही सुंदर नाटक बना हुआ है। कैसा नाटक बना ये? बहुत ही सुंदर। ड्रामा में दुख सुख का पार्ट नूंदा हुआ है, जिसे देख बहुत खुशी होती है। ये बेहद का खेल बड़ा फाइन बना हुआ है, ये बेहद का खेल बड़ा फाइन बना हुआ है। सो तो सबको पसंद ही आना चाहिए, जब बना ही फाइन है बना ही सुंदर है तो सबको पसंद ही आना चाहिए। दिन भी अच्छा तो रात भी अच्छी, खेल है ना, जानते हैं अब रात पूरी होनी है, कलयुग की रात पूरी होनी है और हमको दिन में जाकर ऊंच पद पाना है, ठीक है ना? तो नाराज क्यों होंगे? नाराज क्यों होना किसी से? क्योंकि ड्रामा में जो पार्ट मिला है वो तो बजाना ही है। बहुत अच्छा ड्रामा है,
इसको खराब कह ही नहीं सकते। ये खेल कभी बंद होता ही नहीं है, तो बहुत फर्स्ट क्लास खेल है, सुंदर खेल है ना, फाइन खेल है ना, बहुत अच्छा खेल है। अभिभावक कहते हैं फर्स्ट क्लास खेल है। इनको जानने से बुद्धि भरपूर हो गई है। जैसे बाप नॉलेजफुल है, वैसे बच्चे भी नॉलेजफुल हैं। कितना समय सुख कितना समय दुख पाना है ये भी तुम सब कुछ जान गए हो, तभी तो कहते हो ना वाह प्रभु तेरी लीला। प्रभु की रचना जरूर अच्छी होगी, उसको खराब कौन कहेगा। कहते ना तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, जब तुम्हारी गति की गति करने की मति वही जाने फिर तो बेस्ट होगी ना, इसको कौन खराब कहेगा। तो ड्रामा में जो पार्ट मिला हुआ है वो तो बजाना ही है। ये खेल कभी बंद होना ही नहीं है, इनको जानने से मजा ही मजा आता है। इस खेल को जानने से मजा ही मजा आता है। भक्ति में सतयुगी राजाई का पता भी नहीं है। भक्ति करते करते हम सतयुग में जाएंगे राजा बनेंगे ये तो पता ही नहीं है। सतयुगी राजाई में फिर भक्ति का पता ही नहीं रहता। तो भक्ति में भी कितने सुंदर गीत गाते हैं, हे प्रभु तेरी लीला न्यारी है विचित्र है, ये तुम बच्चे ही समझ सकते हो और कोई इस लीला को जानते ही नहीं। इस खेल को लीला में, इस खेल जो बचा हुआ है इसको जानते ही नहीं। बाबा से हमको कितना वर्षा मिलता है ना, कितना बड़ा खेल बना हुआ है कि इस समय बाबा से हमको वर्षा मिलता है। और लोग जो इस खेल को नहीं जानते वो जैसी करेंगे है ना, घृणा करेंगे, रोएंगे, पीटेंगे, वो ऐसा क्यों वैसा क्यों। और हम कुछ नहीं देखते, हम तो इस समय सिर्फ वर्षा पात मिल पा रहे हैं। तो सारा दिन बुद्धि में ख्याल चलना चाहिए, किस बात का, कि कैसा वंडरफुल खेल है, कैसा वंडरफुल खेल है, वंडरफुल इसकी समझानी है। मतलब बाप की लीला कितनी अच्छी है और तुम इस बेहद के नाटक को जानते हो, फिर जानते हो नाटक को, फिर जो पद मिलता है उनको भी देख हर्षित होते हो। अब मनुष्य नाटक देखकर खुश होते हैं ना, पिक्चर देखने जाते हैं तो खुश होते हैं ना, वो वैरायटी नाटक होते हैं और ये एक ही नाटक है। इस नाटक को, इस पिक्चर को जानने से हम विश्व के मालिक बन जाते हैं, कितनी वंडरफुल बातें हैं। तो बाप द्वारा तुमने ही जाना है, तो इन्हीं बातों में रमन करना पड़ता है। जो बाबा ने बोला उसी में मस्त रहो, उसी को दोहराते रहो, उसी का नशा लो। फिर गृहस्थ व्यवहार में रहते दो तीन घंटा निकाल वो नाटक देखकर आते ही है ना। दुनिया में भी गृहस्थ में रहते हैं, पिक्चर देखने जाते ही है, दो तीन घंटे निकालते ही हैं। वो भी किसी से पूछा जाता है क्या, पूछते हैं कि स्टोरी बता रहे पिक्चर की क्या है, पूछते तो नहीं है ना, बस बुद्धि देखते हैं, बुद्धि में बैठ जाता है। वैसे कोई पिक्चर का शूट पूछे क्या था पिक्चर में, सब पता होता है, सीन पता होता है ना, याद रहता है। ऐसे ही वैसे ही ये भी बेहद का नाटक है, ये क्यों भूलना चाहिए।
वो 3 घंटे की पिक्चर है, ये 5000 साल की पिक्चर है। पूरी बुद्धि बिठा लो, क्यों भूलनी चाहिए। मैंने इस चक्र की स्मृति तो बिल्कुल ही सहज है, इसको और कोई नहीं जानते, और तुम बुद्धि से जानते हो और फिर दिव्य दृष्टि से देखते भी हो। अभी तो जान रहे हो, सत्यु में चले जाएंगे, वाह कितना मजा आएगा। फिर बाबा साक्षात्कार कराते हैं, पूरे सत्यु के सीन दिखाएंगे आपको। हाँ बाबा कहते आगे चल, और भी बहुत ही सीन सीनरियाँ देखेंगे। अभी से मज़ा लेना शुरू कर दो ड्रामा का, हर सीन बेस्ट, हर सीन फर्स्ट क्लास, किसी के पार्ट को देखकर दुखी ना हो, ठीक है। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। तो धारणा के लिए मुख्य सार सुनेंगे ध्यान से, बाप समान महादानी बनना है, यानी सबको सुख शांति का वर्षा देना है। ज्ञान को धारण कर फिर उगारना है, धारण कर लिया अब सेवा में भी लगाना है ना, मंथन करना है फिर सेवा में भी लगाना है। दूसरा, बेहद नाटक को देख सदा हर्षित रहना है, ये अंडरलाइन करो। क्या करना है, बेहद नाटक को देख सदा हर्षित रहना है, प्रभु की लीला। और ये ड्रामा कितना विचित्र है, इसी का सिमरण कर मजे में रहना है, मजा ही मजा। वरदान करना क्या है, पुरुषार्थ के साथ योग के प्रयोग की विधि द्वारा, पुरुषार्थ भी करना है, चेकन चेंज भी करना है, फिर योग के प्रयोग की विधि द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले सदा विजयी भव। तो आज हम कौन है, निश्चय बुद्धि विजयंती। तो आज नशा रहना कि हम सदा विजयी हैं, क्योंकि हमें बाबा के ड्रामा पर पूरा निश्चय है, इस खेल पे पूरा निश्चय है, ठीक है। तो आज कौन है हम, सदा विजयी। कैसे, हम दूसरों की वृत्तियों को ही परिवर्तन कर देते हैं, दूसरों का एटीट्यूड क्या है उसको भी परिवर्तन कर देते हैं। कैसे, जब अपने पुरुषार्थ के साथ रहेंगे, अपने को चेक एंड चेंज करेंगे और योग का प्रयोग करेंगे। खाली योग में बैठे हैं जी, उसका प्रयोग करो। परमधाम बैठ गए, शांति मिली, अब उसका प्रयोग करो, दिखाओ दूसरों को कितना शांत रहते हैं ये, कितना पवित्र रहते हैं ये, दिखाओ, उनकी भी मेंटेलिटी चेंज हो जाएगी, उनकी भी वृत्ति चेंज हो जाएगी, तब टाइटल मिलेगा सदा विजयी। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ धरनी बनाता है, चेक एंड चेंज करोगे आधार बन गया, धरनी बन गई, वो भी जरूरी है, लेकिन लेकिन पुरुषार्थ के साथ साथ योग के प्रयोग से सबकी वृत्तियों को परिवर्तन करो तो सफलता समीप दिखाई देगी। कैसे होगा ये, दृढ़ निश्चय और योग के प्रयोग द्वारा। पहले तो निश्चय बुद्धि विजयंती होगी, पहले निश्चय हो पूरा, वो भी दृढ़ता हो निश्चय में, जो बाबा ने कहा वही राइट है, बस दृढ़ निश्चय और योग के प्रयोग द्वारा किसी की भी बुद्धि को परिवर्तन कर सकते हो। सेवाओं में जब भी कोई हलचल हुई है तो उसमें विजय
योग के प्रयोग से ही मिली है। इसलिए पुरुषार्थ से धरनी बनाओ, लेकिन बीज को प्रत्यक्ष करने के लिए योग का प्रयोग करो, तब विजयी भव का वरदान प्राप्त होगा। कहने का भाव, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम के बारे में ना सोचो, पास्ट की बातों के बारे में ना सोचो, प्रॉब्लम तो आ गई, कारण तो आ गया, इसका निवारण करना है। कौन करेगा निवारण? बाबा। पहुंच जाओ बाबा के पास, बैठो बाबा के पास, सुदर्शन चक्र फिराओ, पर दर्शन पर चिंतन छोड़ दो, सुदर्शन चक्र फिराओ, देखो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है। ये दर्शन तरीके से बाबा ने बताया सॉल्व होगी प्रॉब्लम, और क्या टाइटल का मिलेगा? सदा विजयी। और साधन करना क्या है? श्लोगन ने बताया, सेवा करो, सेवा द्वारा पुण्य की पूंजी जमा करने वाले ही पुण्य आत्मा है। जितनी सेवा करोगे ये पुण्य मिलेगा आपको, ठीक है? आपको जब पुण्य मिल जाएगा तो आप टाइटल करेगा पुण्य आत्मा। जितना पुण्य जमा किया होगा वही तो हेल्प करेगा आपको। बाबा को याद करो और पुण्य करो। ओम शांति।